Hello guys, welcome to my YouTube channel. So I'm so excited. So title देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि ये vlog किस related है and मैं कहाँ जा रही हूँ. तो आज मैं ऑफिस जा रही हूँ. पहले तो ये मैं ऑफिस के लिए रेडी हुई हूँ एंड देन उसके बाद आई हैव टू ऑफ, मेरे पास दो ऑफ हैं एंड एस्केप तो चाहिए था. तो मैंने डिसाइड करा कि छोटे से एक ट्रिप पे चलते हैं एंड लाइक अ वन डे ट्रिप और समथिंग लाइक दैट. तो आई एम गोइंग शिमला एंड इट इज़ माई फर्स्ट टाइम. मैं कभी भी नहीं गई हूँ. मेरी मम्मा ऐसे ही यू नो बोल देते थे कि तू गई है, तू गई है, जैसे सब बच्चों को टिकाने के लिए बोलते हैं. इट्स ब्राउन फैमिली थिंग्स गाइस. ठीक है, तो मुझे जाना था हमेशा से एंड नाउ एज इन अब मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मतलब मोहाली साइड रहती हूँ. तो इट इज़ नॉट दैट फार फॉर मी, तो फॉर अ वन डे ट्रिप बेसिकली. तो मैंने डिसाइड करा कि स्टार्ट शिमला से करती हूँ मैं एंड वेदर भी अच्छा होगा वहाँ पे. अभी जैसे बहुत गर्मी है तो उस अकॉर्डिंग मैंने शिमला डिसाइड करा है. तो गाइस इट्स स्किन पैम्परिंग टाइम और साथ में कपड़े भी डिसाइड करने हैं क्या लेके जाने हैं. तो अलॉन्ग विद इट मैंने अपने फेस पे नायका का शीट मास्क अप्लाई करा है. इट वॉज ग्रीन टी मास्क टू कीप माई स्किन हाइड्रेटेड, एज इन मेरी स्किन बहुत ही ड्राई रहती है. तो लेट मी शो यू मैंने क्या टी शर्ट्स थोड़ी सी सिलेक्ट करी. ट्राइंग टू डिसाइड कि मैं साथ में क्या पैक करूँ इसमें से. ट्रस्ट मी, मतलब पैकिंग बैग्स इज सच अ डिफिकल्ट टास्क. हाय गाइस, तो अब हम घर से निकलने लगे हैं. लेट्स गो. माउंटेन्स इतने प्यारे लग रहे हैं, आई जस्ट कांट डिफाइन इन वर्ड्स. एंड अभी यू कैन सी दिस सोलो ट्रैवलर्स एंड बाइकर्स. आई मीन इसमें भी कुछ अपना ही मज़ा है कि तुम अकेले अपनी एक जर्नी पे निकले हुए हो एंड यू ऑल यू हैव इज़ यू और अपना अपने में ही एक इन्जॉयमेंट है. दिस इज जस्ट अमेजिंग. वेदर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, हवा बहुत अच्छी चल रही है. नो डाउट थोड़ी सी धूप है बट इट्स स्टिल फाइन, बहुत अच्छा वेदर है. मुझे बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने विंडो लिटरली ओपन रखी हुई है एंड मुझे अपने बालों की भी 0.01% इस टाइम पे परवाह नहीं हो रही कि उनका क्या होगा. आई मीन आई जस्ट कांट डिफाइन इन वर्ड्स. पहुंच चुके हैं बट अभी हमें जहां हमने अपना होटल लेना है वो हम देखने जाएंगे. पहले अच्छे से रिव्यू करेंगे बिकॉज हमने नेट पे देखा था सिर्फ उसको, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे एंड देन वील चेक इन. से हाय. सो फाइनली
हमें रूम मिल गया है बिकॉज ऑफ वीकेंड. यहाँ पे सारे होटल्स होम स्टे ऑलमोस्ट फुल थे एंड ये होम स्टे का होटल है और इसका नाम है योग माया. एंड अभी मैं आपको रूम का क्विक टूर देती हूँ. तो ये हमारा रूम है एंड इट विल बी फॉर 4 पीपल. ये बंकर बेड है और ये बेड शेयरिंग में है. एंड मैं आपको दिखाती हूँ इधर से रूम का जो व्यू है बहुत अच्छा है. आई मीन लाइट इज परफेक्ट फ्रॉम दिस एंगल एंड शाम टाइम पे जब इसकी लाइट्स वगैरह सिटी लाइट्स आएंगी तो इट विल बी रियली प्रिटी. तो ये मिरर है लाइक इट्स क्वाइट बिग इन साइज एंड लाइक द वे आई लव आई ऑलवेज लव मिरर्स. आई लव मिरर सेल्फीज लाइक यू कैन से वेर एवर मिरर इज देयर आई एम. सो मैं घर से पहन के आई थी ये जिम लेगिंग्स एंड कॉम्फी टी शर्ट और साथ में मेरे स्लीपर्स. तो अभी आई विल गेट फ्रेशन अप क्विकली एंड देन हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने एंड विल सी यू देन. सो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैंने अपने हेयर्स को कर्ल भी कर लिया है एंड अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने. सो सी यू एट ब्रेकफास्ट. तो हम आए हैं द ग्रेट अर्बन ढाबा. जस्ट फॉर अ क्विक इन्फॉर्मेशन जो लिफ्ट की कॉस्ट है वो जस्ट 10 रुपीज है एक पर्सन के लिए. तो अब हम लिफ्ट से आए हैं मॉल रोड और लोअर बाजार की तरफ जाने के लिए. दिस इज द व्यू आउटसाइड ऑफ लिफ्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स मॉल रोड. उसके पहले लोअर बाजार आएगा एंड ये कुछ रिनाउंड प्लेसेस हैं शॉप्स हैं यहाँ की फेमस. सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग. कृष्णा बेकरी पे इसके बारे में मैंने सर्च करा था यूट्यूब पे. एक इन्फ्लुएंसर ने इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ डाले थे. तो एज आई एम ऑल्सो फूडी पर्सन आई वॉन्टेड टू ट्राई मोमोज. तो मैं सो लेट्स ट्राई. मोमोज एंड कुरकेज आ गए हैं. You time for momos. I hope I like it the way I liked kurkes. Kurkes to mujhe bahut hi acche lage. I guess I'll give 3 out of 5. अब मेरे पीछे ये सारा लोअर बाजार है. इसमें हम देखने आए हैं कि हमें कुछ पसंद आता है तो we'll see if we want to purchase something or not. Let's see. हम जा रहे हैं चर्च. बहुत सारी स्टेयर्स है यहाँ पे गाइस एंड हमें बेसिकली मार्केट में कुछ खास पसंद आया नहीं है तो वी डिसाइडेड टू गो. स्टिल हैवीली ब्रीथिंग गाइस क्योंकि आई जस्ट क्लाइम्ड अलॉट मेनी स्टेयर्स इधर मॉल रोड पे आने की. चर्च आने के रास्ते में ये मुझे एक बिल्डिंग दिखी है जो कि बहुत ही प्रिटी है. मैं आपको दिखाती हूँ. मुझे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मिली लाइक कनेक्टेड विद आर्ट. लाइक आई यूज टू लव पेंट एंड ऑल्सो आई फाउंड a group of people, college students,
painting over here on the canvas. Let me show you. Paintings की exhibition लगी हुई है, तो सर से पूछते हैं कि उन्होंने क्या पेंटिंग बनाई है एंड उसके बाद ये पेंटिंग क्या करेंगे. मेरी जो बेसिकली थीम है वो है मदर और नेचर पर. मैं हमेशा नारी शक्ति के ऊपर काम करता हूँ क्योंकि मैं जो यहाँ से आता हूँ वहाँ से बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ पर औरतों से करने का मौका नहीं मिलता. तो मैंने अपने मदर को भी देखा है छोटे छोटे चीज़ें करने में उन्होंने कैसे. रियल लाइफ स्टोरी. तो मैं हमेशा अपनी मदर को ही उस जगह में देखने की कोशिश करता हूँ. मैं जब जाता हूँ कुछ नया उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ, उनको बताने की कोशिश करता हूँ. वो एकदम क्यूरियस होकर सीखती है, कभी नहीं भी सीख पाते. तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऐसा मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले. सर, जब भी आपकी एग्जीबिशन फिर ये कहाँ क्या करेंगे आप पेंटिंग? ये पेंटिंग यहाँ स्टेट म्यूजियम में जमा हो जाएगी, फिर वो वहाँ पर एग्जीबिट. ठीक है, तो देन पे यू फॉर दैट. हाँ, स्टेट म्यूजियम पे कर. ठीक है. Painting on the canvases, each and every painting is like showing some message, so it is just amazing and awestruck, guys. Finally ja rahe hain church. To church ke bahar ek ye board laga hua hai that we have to go from side gate, so here we go. चर्च से बाहर आ चुकी हूँ, बट मैंने चर्च में ज़्यादा क्लिप नहीं लिया कोई, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था प्रोहिबिटेड. अभी थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और आँखों में भी लग रही है. आई एम फीलिंग एक्साइटेड बट अ बिट स्लीपी, क्योंकि मैं 4:30 पे घर आई थी मेरे शिफ्ट के बाद, 4:30 AM, एंड उसके बाद आई डिडंट स्लीप बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड to come to my trip. And for my direct I traveled, I didn't sleep while traveling, although I am a sleepy head, sleepy queen, whatever you can call me. मैं कहीं भी सो सकती हूँ like traveling में खास करके, but आज मैं इतनी ज़्यादा excited थी मैंने एक single second भी नहीं सोई, मैं बिल्कुल भी नहीं सोई. खुशी आए हैं ऊपर, एक पॉइंट बना हुआ है थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करने, क्योंकि इंस्टाग्राम राइट नाउ वी आर इन लक्कड़ बाजार. यू कैन सी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे. तो हमने आज के दिन में ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं. हम चर्च भी घूमाए हैं, हम मॉल रोड भी गए, हमने वहाँ पे बच्चों को पेंटिंग करते हुए भी देखा कैनवस पे, फिर हम लक्कड़ बाजार भी आए, थोड़ी सी शॉपिंग भी करी है. मैं दिखाऊंगी आप लोगों को होटल वापस जाके. ये मुझे बहुत देर से लेना था ड्रीम कैचर एंड आई एम सो हैप्पी, लाइक माय सोल इज लेजिट हैप्पी. ओह माय गॉड, वाओ. घूम के वापस फिर मॉल रोड पे आ गए हैं, पीछे चर्च है, अब देख सकते हो. राइट नाउ आई वाज क्रेविंग फॉर चॉकलेट पेस्ट्री, सो आई हैव केम टू त्रिशूल बेकर. I mean, oh my god, this trip is bringing like another thing and the other thing. Like this is the thing वो मेरा बहुत टाइम से करने का मन था, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल देखी थी एंड आई थॉट इट्स रियल फन एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत मज़ा आया इसमें. द गाय इन फ्रंट वॉज सो नाइस एंड पोलाइट, बट जो भी वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थी
मैं बहुत मज़ा आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने वैसे इन एक्चुअल आइसक्रीम भी ऑर्डर करी है। मैंने ब्लैक करंट आइसक्रीम ऑर्डर की है जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। इट इज़ यम। Dragon Express, the place and the guy who invented kurkes. So I was so amazed with the taste of kurkes that मैं special यहाँ पर भी खाने आई हूँ and इतने ज़्यादा tasty, इतने ज़्यादा I can't even tell you, पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा tasty थे। अभी almost sunset होने वाला है and आप देख सकते हो कितना pretty लग रहा है। I mean इतना peaceful, इतना काम, इतना सीरीन, इतना कूल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। इट्स जस्ट लव। इट इज़ एन एक्चुअल एस्केप फ्रॉम द क्योस ऑफ द लाइफ। घर वापस जा रहे हैं, घर इन द सेंस हम अपने होटल वापस जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज, क्योंकि हम जब से घर से निकले हैं हम चल रहे हैं और बिना रुके चल रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट तो नहीं बट काफ़ी कुछ कवर करने का ट्राई करा है आज। खुशी द नेक्स्ट मॉर्निंग। So we are going back home and I just don't want to go back to the same routine, but any which way is jana padega and I'll miss mountains so much. This place has stolen my heart. So this is how the dream catcher looks like aur maine isko ghar pe laga diya hai. एंड येस आई एम बैक होम। और इसके साथ साथ मैंने ये की रिंग और ये फ्लैग लिया है अपनी कार के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड आई होप यू लाइक इट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस एंड शेयर द वीडियो।